रॉस के घर में एविक्शन की घड़ी नजदीक आ गई है। नॉमिनेशन का टास्क चल रहा है और आने वाले एपिसोड में घर का एक सदस्य बेघर होता नजर आ सकता है। वैसे में घर के किस सदस्य पर लटकी है एलिमिनेशन की तलवार? एलिमिनेशन के लिए जनता की राय नहीं ली गई है, यानी वोटिंग लाइन इस बार शुरू नहीं की गई, तो ऐसे में घर में मौजूद सदस्य ही नॉमिनेशन का फैसला लेंगे। हालांकि घर में एंट्री के साथ कप्तानी का ताज पहनने वाली कविता कौशिक के हाथ में नॉमिनेटेड सदस्यों में से एक को सुरक्षित करने का मौका भी दिया गया है, बल्कि वो कैसे सुरक्षित करती हैं ये तो वही जाने। लेकिन इस समय घर में मौजूद जो सदस्य बेघर हो सकता है वो है राहुल वैद्य, क्योंकि राहुल वैद्य इस समय घर में अकेले खेल रहे हैं। राहुल वैद्य कैप्टेंसी टास्क के बाद भी सभी घर वालों से पंगा लेते नजर आए थे, जहां जान निकी निशांत राहुल के खिलाफ हो गए हैं, जबकि वो चारों एक दूसरे के अच्छे दोस्त समझे जाते थे। वहीं रुबीना जैस्मिन और अभिनव भी पवित्रा से हुए झगड़े को लेकर राहुल के खिलाफ नजर आए, तो ऐसे में राहुल इस समय घर में ऐसे एकमात्र सदस्य हैं जो अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं शायद ये राहुल के मन में भी होगा कि इस बार एलिमिनेशन में घर से उनका पत्ता साफ हो सकता है। यही कारण है कि राहुल ने जान कुमार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए उन्हें नेपोटिज्म की प्रोडक्ट बता दी। वहीं हम आपको बता दें कि सारा गुरपाल और शहजाद देवल ने भी जान पर निशाना साधा, लेकिन वो घर से निकलने के बाद जान पर निशाना साधते नजर आए थे, जबकि राहुल घर में रहते हुए ही जान पर निशाना साधते दिखाई दिए। ऐसे में अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि राहुल का शॉकिंग इविक्शन होने वाला है, और कहीं ना कहीं ये बात भी साबित हो जाएगी कि वो घर से बेघर भी हो सकते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि राहुल का शॉकिंग इविक्शन होने वाला है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।